यार अच्छी झलक दिखने वाली है और अच्छी फिल्म बनी है अभी तक। काफ़ी मज़ा आ रहा है जो भी हमने थोड़ा बहुत सर ने दिखाया, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं उसको। फिल्म मेकिंग में बहुत मज़ा आया, इस फिल्म को बनाने में बहुत मज़ा आया। बहुत ही कॉमेडी है और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था शूट करना बिकॉज़ हमारे पास टाइम कम था, लेकिन सीन इतने ज़्यादा फ़नी है कि बार बार हंसी छूट जाती थी। और पद्दी और मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, हम दोनों एक दूसरे को देखते थे और हंसने लगते थे। बट आउट एंड आउट लोगों को फिल्म पसंद आनी चाहिए। अगर आप ये फिल्म भी देखेंगे जैसे तेरे बिन लादेन थी, बहुत लोगों ने कहा कि ये बिन लादेन पे स्पूफ है, लेकिन इट वॉजन अ स्पूफ ऑन बिन लादेन। सिमिलरली दिस फिल्म इज़ ऑल्सो नॉट अ स्पूफ ऑन बिन लादेन। आई एम प्लेइंग अ बिन लादेन लोकलाइज अगेन। और जो जोक है या जो आप कह सकते हैं फार्स है या सैटायर है, वो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे है। सो इट इज़ अगेन अ पॉलिटिकल जॉनर काइंड ऑफ अ फिल्म, कॉमेडी जॉनर। फिल्म कंप्लीट है, हमारा सिर्फ एक सॉन्ग बचा है जो हमने शूट करना है और फिल्म तकरीबन 6 महीने में विल बी रेडी विद द फिल्म। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आई थिंक इसमें ना तो ये ज़रूरी होता है कि कोई किसी का फेवरेट है तो मेरे ऑपोजिट होना चाहिए। आई थिंक एक स्क्रिप्ट की डिमांड है, इस स्क्रिप्ट में मेरी कोई भी हीरोइन की ज़रूरत नहीं थी, जिसकी ज़रूरत है वो मेरे साथ बैठे। नहीं तेरे बिन लादेन जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि पार्ट वन भी और पार्ट टू भी वो जिस ढर्रे पे कहानी चलती है उसमें हीरोइन, मेरे को लड़कियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। वी हैव गर्ल्स इन द मूवी। वी हैव सुगंधा अगेन, शी वाज इन द फर्स्ट पार्ट एज अ मेकअप आर्टिस्ट। वी हैव मिया हु इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, शी इज़ प्लेइंग एन एजेंट्स रोल। बट एज सच कोई लव इंटरेस्ट की जरूरत नहीं लगती इन तेरे बिन लादेन सीरीज। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को ऐसी कुछ प्रॉब्लम, अगली फिल्म शौकीन है उसमें नरगिस है, सो आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू फाइनली टेक दिस थिंग ऑफ। या सो आई एम ट्राइंग टू ब्रेक दैट जिंक्स। नहीं यार मनीष, छोटे पर्दे से गायब होना नहीं चाहता, ये मेरी इंटेंशन नहीं है, बिकॉज आई थिंक छोटे पर्दे ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अभी आपने सुना ही जो मुझे फिल्म भी मिली है वो छोटे पर्दे से ही मिली है, तो मेरी ये कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने कभी भी छोटे पर्दे को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज़ नहीं किया कि मैं फिल्म में पहुँच जाऊँ तो मैं टीवी छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। मुझे होस्टिंग पसंद आती है, मुझे मज़ा आता है करने में, लोग बहुत पसंद करते हैं जब मैं होस्टिंग करता हूँ, तो आई थिंक मैं वो करता रहूँगा।